अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल फूड तड़का बाहेरा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज बहुत ही जबरदस्त सी लाहौरी चिकन कढ़ाई की रेसिपी आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप जरूर दीजिएगा, शेयर कमेंट कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट करना ना भूलें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लाहौरी चिकन कढ़ाई के बनाने के लिए जो इन्ग्रीडियंट्स चाहिए उसके लिए यहाँ पर मैंने 2.25 किलो चिकन ली है हड्डी वाली और इसको मैंने 16 पीसेस में कट करवा लिया और अच्छी तरीके से वॉश कर लिया। यहाँ पे मैंने 7 to 8 मीडियम साइज के टमेटोज लेकर उनको इस तरह रफली काट लिया है। 2 से 3 अदद बारीक हरी मिर्चें लिए हैं, ये बहुत तीखी हैं इसलिए मैं कम यूज कर रही हूँ। अगर आप मोटी वाली जो मिर्च होती है वो यूज करें तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक उसको कम ज्यादा कर सकते हैं। 2.5 टेबल स्पून भरकर कोरिएंडर सीड्स लिए क्रश, 2.5 टेबल स्पून यहाँ पर रेड चिली फ्लेक्स, 2 टेबल स्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1.5 टेबल स्पून ऑफ रेगुलर सॉल्ट, 1 टेबल स्पून फुल ऑफ कसूरी मेथी एंड 1/2 टी स्पून ऑफ हल्दी पाउडर। अब सबसे पहले एक कढ़ाही में 1 कप ऑयल गरम कर लेते हैं। 1 कप जो है ऑयल गरम हो चुका है कढ़ाही में, तब सबसे पहले जो हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया था ये ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से अच्छी सी खुशबू आने तक भून। जिंजर गार्लिक का पेस्ट अच्छी तरह से भुन चुका था तो उसके अंदर मैंने चिकन ऐड कर दी है और अब इसको कलर चेंज होने तक अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट हम फ्राई कर लेंगे। चिकन जो है वो अपना कलर चेंज कर चुकी है तो अब इस स्टेज पे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे टमेटोस। बहुत ही जबरदस्त सी रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब आप इसको बनाएंगे अपने घर में भी या स्पेशली दावतों में तो आपके गेस्ट आपसे जरूर पूछेंगे यार सुनो इस चिकन कढ़ाई की रेसिपी तो दोनों जो तुमने दावत में बनाई थी बड़ी जबरदस्त बनी थी, तो इसलिए इस रेसिपी को बनाइएगा जरूर और मेरे चैनल को सपोर्ट जरूर किया करें। अच्छा साथ में मैं आपको बताना भूल गई थी, मैं ऐड कर रही हूँ 4 to 5 टेबल स्पून भरकर सादा दही। बाज लोगों को चिकन या कढ़ाई किसी किस्म की भी वो लोग खाएं उसमें उसको ग्रेवी पसंद होती है बाज लोगों को, और बाज लोग टमाटर की जगह प्याज भी थोड़ा बहुत ऐड कर लेते हैं। ऑफिशियली तो प्याज ऐड नहीं होता किसी भी किस्म की कढ़ाई में, बट अगर आपकी मर्जी आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। तो ये देखिए 5 टेबल स्पून जो है मैंने दही ऐड कर दिया है, अब इसको भी अगेन 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पर ही अच्छी तरह से भून लेंगे। ये चिकन भूनते हुए 1 से 1.5 मिनट हुआ है तो अब इसके अंदर इस स्टेज पे मैं तमाम स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम ऐड कर देंगे रेड चिली फ्लेक्स, टर्मरिक यानी के हल्दी पाउडर, रेगुलर सॉल्ट, कसूरी मेथी, बहुत ही जबरदस्त फ्लेवर आता है इससे, और ये क्रश्ड कोरिएंडर सीड्स। और अब 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पर बड़ी जबरदस्त तरीके से आपने चिकन को जो है इन तमाम स्पाइसेस के साथ भून लेना है। तो अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे ताकि कढ़ाई का टेस्ट जो है वो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा आए। इसको भूनते हैं और फिर इसका लुक आपको। तो यहाँ पे चिकन की भुनाई चल रही है तो यहाँ पे अब मैं ऐड करने जा रही हूँ, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है मगर अगर इसको आप ऐड करेंगे तो आपको पक्का लाहौरी टेस्ट आने वाला है इससे। 1 टेबल स्पून भरकर मैं डालने लगी हूँ इसमें मक्खन, बहुत ही जबरदस्त फ्लेवर आएगा इससे और खुशबू भी बहुत शानदार आएगी और बिल्कुल नरमो मुलायम रहने से कढ़ाई बनेगी इंशाल्लाह। इसकी भुनाई जारी रखते हैं। 2 मिनट हो चुके हैं चिकन को भूनते हुए लेकिन आप ये देखिए कि इसमें कितना सारा पानी है, तो इसको इस स्टेज पर आप भी बहुत अच्छी तरह से भूनिए क्योंकि हमें टमाटरों को भी प्रॉपरली कुक करना है और टमाटर का दही का और चिकन का अपना पानी देखिए कितना सारा रिलीज हुआ है, इस पानी को भी अच्छी तरीके से खुश करना है और चिकन को इन तमाम स्पाइसेस के साथ बहुत अच्छी तरह से भूनना भी है। तो इस स्टेज पे फ्लेम हाई रखकर ही इसकी भुनाई करनी है, बहुत अच्छी तरह से भुनाई करनी है। आप जितना अच्छा इसको भूनेंगे स्टेज पर उतना बेहतरीन आपकी कढ़ाई का जायका आएगा। और जो मक्खन मैंने ऐड किया ना वो की इंग्रेडिएंट है बेहतरीन लाहौरी चिकन कढ़ाई की, बहुत ही बेहतरीन उससे फ्लेवर आता है लेकिन कम्प्लीटली ऑप्शनल है, अगर आपको भारी पड़ता है या आपको उसका फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। और ऑयल की और तमाम स्पाइसेस की क्वांटिटी भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक बिल्कुल कम ज्यादा कर सकते हैं। तो इसको अच्छी तरह से भूनते हैं कि पानी भी हमारा बस इतना ही रह जाए इसमें कि चिकन जो है वो कुक हो जाए, चिकन जल्दी कुक हो जाता है। आप इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए मटन और बीफ में भी ये कढ़ाई बना सकते हैं, बड़ी बेहतरीन बनती है, तो जरूर बनाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। व्यूअर्स यहाँ देखिए 3 से 4 मिनट मैंने आपको बोले थे बट इसमें पानी ज्यादा था तो 5 से 6 मिनट इसको हो चुके हैं भूनते हुए और देखिए इसमें काफी सारा पानी खुश हो गया बट स्टिल इसमें काफी थिक सी ग्रेवी है अभी। तो अगर आप कढ़ाई के साथ बाजू अगर आप मतलब ज्यादा ग्रेवी पसंद करते हैं तो उसके लिए तो ठीक है लेकिन मैं इसको मजीद 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पर ही कुक करूंगी ताकि इसका पानी थोड़ा सा और खुश्क हो जाए
और फिर मैं इसको लो फ्लेम पर प्रॉपरली टेंडर होने तक कुक होने को छोड़ दूंगी। जाहिर है मैं इतनी देर भून रहे हैं, इसमें भी थोड़ा बहुत चिकन कुक हुआ है, बट स्टिल जो धीमी आंच पर गोश्त पकता है उसकी बात ही अलग होती है। तो इसको मजीद 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर कुक करते हैं ताकि पानी खुश्क हो जाए। 4 मिनट हो चुके हैं अगेन इसको दोबारा से भूनते हुए। तो अब जो है बाकी ये जो भी ग्रेवी बची है ये हमारी टिक्सी ग्रेवी तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह। अब इस स्टेज पर जो है मैं इसमें जो मैंने 3 से 4 अदद ये बारीक हरी मिर्च ली थी इसमें से 2 अभी ऐड कर दूंगी, और साथ ही इसमें मैं ऐड कर दूंगी थोड़ा सा लेमन जूस 2 टेबलस्पून के करीब, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा कम कर सकते हैं। और इसको अब फ्लेम बिल्कुल हल्की कर देंगे और लिड कवर करके इसको 15 से 20 मिनट लो फ्लेम पर कुक। जब तक चिकन कढ़ाई तैयार हो रही है उसकी गार्निशिंग के लिए मैंने यहाँ पे 2 अदद हरी मिर्चें, थोड़ी सी बारीक कटी अदरक और थोड़ा सा फाइनली चॉप हरा धनिया गार्निशिंग के लिए रेडी कर लिया है। 20 मिनट्स बाद लाहौरी चिकन कढ़ाई जबरदस्ती तैयार हो चुकी है। बस मैं इसका थोड़ा सा ये पानी जो है और नजर आ रहा है ठीक सा, मैं इसको थोड़ा सा खुश करूंगी, 2-3 मिनट इसको हाई फ्लेम पर पकाऊंगी, उसके बाद मैं इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये हाईली रिकमेंडेड रेसिपी आप सबके लिए, इसमें से बहुत ही बेहतरीन खुशबू आ रही है और रंगत आपके सामने है, तो बनाइएगा ज़रूर। तो मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद पानी खुश करके इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये है फाइनल लुक बेहतरीन सी लाहौरी चिकन कढ़ाई का। मैंने इसको अनियन विंग्स के साथ सर्व किया है, आप चाहें तो इसको तंदूरी नान या चपाती के साथ इंजॉय कर सकते हैं। आपकी दावतों के लिए एक बेहतरीन रेसिपी आज आपके साथ शेयर की गई है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो थम्स अप जरूर दीजिए, शेयर कमेंट कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर दें। जल्दी मिलूंगी एक नई और जबरदस्त सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।